हेलो दोस्तों, ECP लाइव में आपका स्वागत है। मैं क्लास 4 का यूनिट 13 यानी वॉल्यूम चैप्टर का वर्कशीट 1 बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर वॉल्यूम, किसका ज़्यादा वॉल्यूम है? नंबर 1 का दोस्तों, ए नंबर में है कितना, क्रिकेट बॉल और टेबल टेनिस बॉल। दोस्तों आप क्रिकेट बॉल तो देखे होंगे और टेबल टेनिस बॉल नहीं देखे होंगे, है ना? तो क्रिकेट बॉल इससे बड़ा होता है, तो CRICKET क्रिकेट बॉल। लेकिन देखे होंगे पिक्चर उचर में दोस्तों, दिखे होंगे तो उसमें थोड़ा सा छोटा होता है। नहीं देखे होंगे तो आप याद रखिएगा, क्रिकेट बॉल से छोटा होता है। क्रिकेट बॉल तो देखे होंगे, खेले भी होंगे, छक्का भी मारे होंगे। उसके बाद लेमन और वाटरमेलन दोनों देखे होंगे दोस्तों। वाटरमेलन बहुत बड़ा होता है, एक छोटा सा बच्चा उठा भी नहीं पाता, और लेमन तो बहुत छोटा होता है, तो वाटरमेलन बड़ा होता है। हमको मोर वॉल्यूम निकालना है, तो WATERMELON। उसके बाद निकालना दोस्तों सी नंबर में, 1/2 लीटर दोस्तों, हाफ लीटर मतलब है ना, पोली बैग ऑफ मिल्क मतलब एक मिल्क का हाफ लीटर वाला, एक 1 लीटर पोली बैग मिल्क किसका ज़्यादा होगा दोस्तों? यहाँ तो बोल दिया है कि 1 लीटर है या हाफ लीटर, ये ज़्यादा होगा है ना, तो 1 लीटर होगा ज़्यादा। पोली पैक ऑफ मिल्क अगला हो गया दोस्तों, तो नहीं था। नेक्स्ट है 2 नंबर है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विच ऑब्जेक्ट हैज लेस वॉल्यूम, किसका कम है? तो दोस्तों यहाँ देख के बताना है, ये देखने से लगता है मैथ बुक है, ये माचिस बुक है, किसका कम है? तो इसका कम होगा है ना, तो इसमें 2 नंबर का बता रहा हूँ। 2 नंबर का दोस्तों, ए नंबर में सेकेंड वाला कम है नहीं। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये बकेट है और ये भी बकेट है, लेकिन ये दूसरा वाला बड़ा वाला है जिसमें आप बचपन में डुबकी लगाते होंगे, तो ये वो वाला है। तो दोस्तों किसमें कम है? कम तो इसमें है ना, इसमें पीने वाला पानी लाते हैं। अगला सी में दोस्तों, दोनों सूटकेस है, लेकिन ये सूटकेस छोटा है, देख रहे होंगे आप इसको, तो दोनों में चक्का लगा हुआ, लेकिन आप गुरका सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, दोस्तों कौन सही है ना, देखते हैं कौन बेचारा सही है। चलिए 3 नंबर में ट्रू कौन है दोस्तों। उसके बाद अ क्रिकेट बॉल एंड अ फुटबॉल हैव द सेम वॉल्यूम, क्रिकेट बॉल और फुटबॉल में सेम वॉल्यूम है दोस्तों? नहीं, फुटबॉल इससे भी क्रिकेट बॉल से बहुत बड़ा होता है, आप देखे होंगे फुटबॉल मतलब जो पैर से मारते हैं। फुटबॉल और वॉलीबॉल और बास्केटबॉल लगभग सेम है, तो इसमें फॉल्स हो जाएगा। अगला बी में, एन एम्प्टी चॉक बॉक्स हैज लेस वॉल्यूम देन अ चॉक बॉक्स ऑफ द सेम साइज ऑफ द सेम वॉल्यूम, है ना, फुल चॉक। मतलब बोलता है दोस्तों यहाँ कि जैसे ये चॉक का सपोर्टेड बॉक्स है, और इसमें दोस्तों हम कुछ रखे हैं, पहला वाला एम्प्टी तो कुछ एक खाली है, और एक ऐसा ही सेम टू सेम है ना, कुछ रखे हैं उसमें दोस्तों, यहाँ ECP लाइव लिखा हुआ है ना, कुछ रखे हैं, तो वॉल्यूम क्या होगा? सेम होगा कि अलग अलग होगा? सोचिए आप क्या हो सकता है दोस्तों, इसमें सेम होगा। उसमें रखते हैं या नहीं रखते हैं वो मैटर नहीं करता है ना, सेम होता है, लेकिन है ना वॉल्यूम से अगर रख तो सेम सकते हैं ना। तो यहाँ बोलता है, तो यहाँ बोला है एन एम्प्टी चॉक हैज बॉक्स लेस वॉल्यूम, है ना, इसमें छोट कम है? नहीं, ये भी फॉल्स हो गया। अगर सेम होता है दोस्तों, अगर सेम बोलता है, यहाँ लेस बोला है, कम नहीं होता, बराबर होता है। हाँ, वेट कम बेसी होगा, जिसमें चौक है तो उसमें ज़्यादा वेट होगा, तो वेट नहीं है, वॉल्यूम पूछा है। अगला सी नंबर समझ में आया होगा। उसके बाद है 2 ऑयल कैन ऑफ सेम साइज, 1 एम्प्टी एंड 1 फुल ऑफ ऑयल हैव सेम वॉल्यूम। दोस्तों 2 कंटेनर है, जैसे मान लेता हूँ, जैसे मेरा पास एक कंटेनर है, देखिए यहाँ डेली सामान रखे हैं पराने वाला है ना, तो उफ गर गया रे, तो ये इतना सारा सामान है दोस्तों, इसमें एक ऐसा ही बर्तन यहाँ रखेंगे है ना, तो इसमें कुछ सामान रखेंगे, इसमें खाली है लेकिन वॉल्यूम सेम है, सेम सामान रख सकते हैं, वो रखे हैं नहीं रखे हैं वो अलग मैटर है ना, तो ये ट्रू हो जाएगा। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्त के शेयर भी कीजिएगा, एक्सप्लेनेशन का सारा कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो पे।